डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग रेडी होंगे प्रतिज्ञा बैच के लिए। तो आज 26 मई और शाम को प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज क्योंकि शाम को ही स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम लोग अपना डे जो है वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लिए थे। लंच वगैरह भी हो गया जल्दी, ठीक है, सुबह से लगे थे तो काफ़ी भूख लग रही थी, तो लंच भी आज जल्दी हो गया। तो जस्ट थोड़ा सा गार्डन में बैठ के ड्रिंक एंड चिल कर रहे थे गोपाल सर के साथ। और हमारा वर्क ऑलमोस्ट कोल्ड ड्रिंक एंड चिल कर रहे। अच्छा, हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं तो हाँ, मतलब आप लोग गलत नहीं अंडरस्टैंड करें, कोल्ड ड्रिंक है, प्योर नीट कोल्ड ड्रिंक है। तो जस्ट फिर हमारा पार्ट ऑलमोस्ट डन है, हम लोग सब रेडी हैं। और बताइए गोपाल सर, तो जैसा कि सभी को पता है कि प्रतिज्ञा बैच जो है, जब से धांडे सर ने अनाउंस किया उसके बाद हम लोग लगे ही हुए थे उसमें पूरा का पूरा, बिकॉज स्टूडेंट्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कैसे एग्जीक्यूशन होगा। कई बच्चों को डाउट था रिकॉर्डेड लाइब्रेरी के बारे में, तो सारा वन बाय वन हमने एक्सप्लेन कर दिया। और सुजय सर, इतनी लगातार जो 7-8 दिन एफर्ट दिया और स्टूडेंट्स लोगों का मतलब कॉलिंग से लेकर, क्योंकि आप पूरा का पूरा टेलीकॉलर टीम हैंडल करते हो, तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे या क्या आपको कहाँ पर ज़्यादा लगा कि यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है? पहले ये भी एक मैं अचानक से आपके कुछ बात करते करते पॉइंट आया कि स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि इतना क्यों ये लोग प्रतिज्ञा एंड ऑल इतना क्यों कर रहे हैं। तो मतलब अब हम लोग मतलब वैसी बड़े बैकअप वाली कंपनी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में करोड़ों रुपए एंड ऑल कर सके। तो हमारे पास जो आपसे बात करने का मीडियम होता है वो यूट्यूब है, तो यूट्यूब का ही बस हम लोग यूज़ कर पाते हैं। बाकी जो डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल इतना जो बिग जो कंपनीज़ हैं मतलब इस एजुकेशन में वो जो करते हैं, मे भी हम उसमें उतना नहीं है। तो इसलिए भी नीड थी कि आपको मे भी कुछ लोग को लग रहा होगा, बट ये हमको करना ही है। इट इज़ आवर ड्यूटी कि एटलीस्ट यूट्यूब फैमिली में हमारे जो आप सभी लोग हैं उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो। तो जस्ट आप क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे कि क्या होगा, कैसे होगा, आप सबको डिटेल में बताया गया है। फिर भी डाउट्स आ जाते हैं, नो इश्यूज़ की DPPs एंड ऑल, वीकली टेस्ट। अच्छा सर, DPP से याद आया कि आपका जो कल वीडियो बहुत ही वायरल हो गया गोपाल सर का कि छोटी बच्ची हो गया, मतलब तो वो एक्चुअली था क्या, मतलब वो अच्छा प्लान किया सर आपने? आप डायरेक्ट वे में बोल सकते हो कि एक्टिंग कर रहे थे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ऐसा हुआ कि मैं लिटरली DP पे ही काम कर रहा था, और चूंकि अभी ऑफलाइन वगैरह क्लास हुई थी हमारी मैथ्स की, तो उसमें भी DPP देना स्टार्ट कर दिए थे। अब DPP में ये हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि यार इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं, या अब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन है इसको MSQ बना सकता हूं, तो मैं चेंज कर रहा था, बैठ के मैं कर रहा था चेंज। अब उसी टाइम में ऐश्वर्या मैम आई और वो बोली सर एप्टीट्यूड का टेस्ट सीरीज़ का, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज़ के भी ऊपर चल रहा है, रिकॉर्डिंग करनी है सबको, क्योंकि हम लोग टेस्ट सीरीज़ में रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। तो वो आई कैबिन में, मैं उसको बोला कि यार रुक जा 2 मिनट, मैं एक थॉट आया था MSQ का, बोला 1 मिनट रुक जा बस सर एक बार देखो। तो मैं बोला यार छोटी बच्ची हो क्या? और फिर मैं बोला अरे इसको तो अपन रिकॉर्ड करते हैं भाई, और ये सीन हो चुका था। फिर हमने इसको रीशूट किया, मतलब ये सोचा कि चलो यार इसको शूट करते हैं। तो वो एक अच्छा हो गया, वीडियो भी वायरल हो गया, मतलब अच्छे खासे लोग उसको देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि भाई हम लोग एक्टिंग में आ गए। एक्चुअली उसमें एक दो मेरे जो साथ वाले उन्होंने बोला सर आप हंस दिए इसमें, अरे तो मैं एक्टर नहीं हूँ भाई, मैं अब उसको वो हो चुके इंसिडेंस हुआ था उसको शूट करना था, तो वो तो था, बट हाँ लिटरली मैं DPP बना रहा था। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको दी भी गई है DPP, और भी ये प्रोसेस में चल ही रहा है, क्योंकि सर DPP का जो एक बोलना चाहिए क्या कि हाथ में जब ऑफलाइन वाले बच्चे बनाते हैं साथ में, फिर ऐसा लेकर के डाउट पूछते हैं, या कई बच्चे जिनको हम दिए हुए हैं PD कोर्स वाले वो स्क्रीनशॉट लेके ऐसा टिक करके पूछते हैं ना, उनकी फीलिंग डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हम उसको सॉल्व करते नहीं क्लास में। अब क्लास में हम सॉल्व नहीं करते, बट वो प्रैक्टिस करते हुए जब कहीं पर डाउट पूछ रहे हैं हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे को भी लगता है यार ऐसा सोचना था क्या, तो वो कनेक्टिविटी बहुत गजब की है। सो आप सब लोग को देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि सब लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो बनता है, क्योंकि लास्ट 1 वीक से हमने काफ़ी एफर्ट दिया है, ठीक है, क्योंकि मतलब कोई बहुत अच्छी प्लानिंग करने की कोशिश की है, सबसे इनपुट लेने का हमने किसी से मिस नहीं किया, सभी से इनपुट लिया हमने, और फिर बहुत सारी चीज़ें क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या प्राइस पॉइंट होना चाहिए, प्राइस पॉइंट पे भी काफ़ी हमने डिस्कशन किया कि जो स्टूडेंट
पढ़ना चाहते हैं और अगर थोड़ा सा किसी के लिए रुकावट हो जाता है कभी कभी ये फीस देना, तो उनके लिए जितना मैक्स किया जा सकता है, और इससे आप बिल्कुल मोटिवेशन लीजिए लाइफ में, एक बार लग के मेहनत कर लीजिए ताकि आगे की लाइफ आपकी सेट हो जाए और आप भी बीच बीच में बिल्कुल इंजॉयमेंट करते रहें, आपकी भी मतलब एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ होगी आगे। 5 दिन आप अच्छे से काम करोगे, वीकेंड्स में आप इंजॉय करोगे, ये सब आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये मेहनत आपको एक बार लाइफ में करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो जस्ट हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एज सून एज पॉसिबल वो मेहनत को कीजिए एंड एक अच्छी लाइफ में एंटर कीजिए और आप भी इंजॉय कीजिए हमारे जैसे। और 3 मैजिकल वर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान, अनुशासन और प्रतिज्ञा। इसके ऊपर मैंने छोटा सा एक वीडियो भी दिया था पोएट्री बना के, तो ये 3 चीज़ों को लेकर के चलना। और प्रतिज्ञा तो अब ले ली हमने, और प्रतिज्ञा को तो हमने ले लिया प्रतिज्ञा, और एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो गजब की चीज़ है वो ये नाम रखते टाइम हम लोगों का बहुत थॉट आया। नाम भी बड़ा वाला काफ़ी है, बहुत सारे नाम आए और क्या क्या, और इसमें से फिर अचीवर्स, फिर एवेंजर्स, फिर ये फिर वो, उसके बाद क्या करे क्या करे। और हम लोग यार मातृभाषी व्यक्ति हैं, है ना, हम लोग हिंदी कनेक्ट करते हैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होता है, तो फिर ये वर्ड आया प्रतिज्ञा, और वो भीष्म की प्रतिज्ञा वाली फीलिंग के साथ में, क्योंकि आज अगर आप लोगों ने ये 8 महीने 9 महीने डट के मेहनत कर दी एक प्रतिज्ञा के साथ में, प्रतिज्ञा कोर्स के साथ में, तो डेफिनेटली सफलता अर्जित होनी ही है, मतलब इसमें कोई बात ही नहीं है। सर एक नाम और जो हम रखना चाह रहे थे वो भी डिस्कस कर ले। नहीं नहीं वो उसके लिए एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे आज नहीं, उसके लिए नया कोर्स लॉन्च करेंगे, वो एक नया होगा, फिर एक नई सोच के साथ आएंगे कुछ दिन में वापस आप लोग के सामने। तो ठीक है चलिए फिर आप लोग कंटिन्यू कीजिए और आप लोग स्टार्ट कीजिए आज से प्रतिज्ञा बैच और इंजॉय कीजिए क्लासेस को, है ना। बाकी फिर अपन मिलते हैं जल्दी। ओके थैंक यू। चीयर्स टू प्रतिज्ञा बैच।